हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निटिंग लेसन्स, जिसमें हम आज आपको ये डिज़ाइन बनाना बताएंगे। ये डिज़ाइन बटरफ्लाई डिज़ाइन है। ये देखिए, मैं आपको इसमें जूम करके दिखा देती हूँ इसको। देखिए, ये बटरफ्लाई डिज़ाइन है और बनाने के बाद ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसे आप एक कलर के स्वेटर में या जर्सी में आप इसे बना सकते हैं, और जब ये आप पूरे जर्सी में या पूरे स्वेटर पर बनाएंगे तो ये बनके आपका जो स्वेटर है या जर्सी है वो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने इसमें फंदे ले लिए हैं 29। तो 29 फंदों में हम आपको ये डिज़ाइन बनाना बता रहे हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसमें दो फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। इसमें हमें दो फंदे बिल्कुल सीधे सीधे बुन लेने हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं है। उसके बाद हम धागे को अपनी साइड करेंगे, जैसे उल्टा से बुनते हैं इस तरह से हम इस धागे को कर लेंगे और पांच फंदे बिना बुने निकाल लेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। पांच फंदे बिना बुने निकालने के बाद हम इस धागे को पीछे की साइड करेंगे, सीधी साइड कर लेंगे। अब देखिए, धागा हमारे आगे से आ गया, ये आगे से एक धागा हमारा अलग से आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, पांच फंदे सीधे सीधे बुन लेने हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। पांच फंदे बुनने के बाद फिर से हम धागे को आगे करेंगे और फिर पांच फंदे बिना बुने निकालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद फिर से पीछे करेंगे धागे को और पांच फंदे बुन लेंगे सीधे सीधे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर धागे को अपनी साइड करेंगे और पांच फंदे बिना बुने निकालेंगे और फिर पीछे करके बाकी जो बचे हुए फंदे हैं, दो फंदे हमारे, उनको हम बुन लेंगे सीधे सीधे। तो इस तरह से ये पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब उल्टी सिलाई में हमें सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। उल्टी सिलाई हमारी जो भी सारी इसमें डिज़ाइन में डलेंगी उसमें हमें सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है। उल्टी सिलाई में हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। ये हमारी ये उल्टी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, जिसे हमने सारा उल्टा उल्टा बनाया है। अब फिर से हम सीधी सिलाई में आ गए। सीधी सिलाई हमारी बिल्कुल पहली सिलाई की तरह सेम है। दो फंदे बुनेंगे, धागे को अपनी साइड लाएंगे और पांच फंदे बिना बुने निकाल लेंगे। जहाँ से हमने पहले वो धागा अपना, देखिए हमारा ऊपर से आया था, वहीं पर हमें दूसरा धागा ऊपर से लाना है। ये देखिए, फिर से हम धागे को पीछे ले गए तो हमारा सेकेंड धागा भी, देखिए एक धागा था और फिर ये दूसरा धागा भी हमारा इसके ऊपर से ही दिखाई दे रहा है हमारा आया हुआ। ये देखिए, ये पहला धागा था और ये अब दूसरा धागा इसके ऊपर से आ गया, दो धागे हो गए। तो इसको हम फिर पांच फंदे सीधे बुन लेंगे और फिर धागे को अपनी साइड लाएंगे और फिर पांच फंदे बिना बुने निकालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से निकाल के फिर इसको पीछे ले गए और फिर से पांच फंदे बुन दिए। और इस तरह से निकालते निकालते हम इस पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। देखिए, फिर से हमने पांच निकाल लिए और फिर धागे को पीछे ले जाकर बचे हुए अपने दो फंदे बुन दिए। और उल्टी सिलाई पूरी हमें उल्टी उल्टी बुननी है, उसमें हमारा कोई भी चेंज नहीं है। इस तरह से उल्टी सिलाई हमारी, जो दूसरी उल्टी सिलाई है, वो भी कम्प्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी फिफ्थ सिलाई पर आ गए हैं। फोर्थ सिलाई हमारी उल्टी थी, तो फिफ्थ सिलाई में हमें फिर से दो फंदे सीधे बुनने हैं और फिर से धागे के ऊपर एक धागा हमें लाना है। तो पांच फंदे बिना बुने निकालेंगे धागे को आगे करके, ये निकल गए। फिर धागे को पीछे करेंगे तो इस तरह से हमारा ये तीसरा धागा हमारा डिज़ाइन के ऊपर से आ गया है। ये हम धागे सीधी साइड में ला रहे हैं क्योंकि हमें सीधी साइड में ही बटरफ्लाई डिज़ाइन बनाना है। पांच फंदे बुन लिए, उसके बाद फिर से आगे धागा किया और पाँच फंदे बिना बुने निकाल दिए। तो ये हमारी फिफ्थ सिलाई है। इसी तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके बाद उल्टी सिलाई में हमें उल्टा उल्टा ही बनाना है। तो चलिए हम अपने फिफ्थ और सिक्स्थ सिलाई को बना लेते हैं। देखिए, हमारी छठी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है और हम सातवीं सिलाई पे आ गए हैं, जो हमारी सीधी सिलाई है। तो हमने फिर से दोनों फंदों को बुना और पांच फंदों को फिर बिना बुना निकालेंगे। इसमें डिज़ाइन में हमें आठ सिलाई डालनी है। तो जो हमारी सीधी सिलाइयाँ हैं वो भी सेम हैं बिल्कुल, जो हमारी पहली, तीसरी, पांचवी और सातवीं सिलाई है वो बिल्कुल सेम है, और दूसरी और चौथी
छठी और आठवीं, ये सिलाई हमारी उल्टी उल्टी है और उल्टी उल्टी सिलाई में हमारा कोई चेंज नहीं है, सारे फंदों को उल्टा बुनना है। तो देखिए हम इसको बिल्कुल पहली सिलाई की तरह ही बना रहे हैं, पांच फंदे बिना बुने निकाल रहे हैं और धागा पीछे करके पांच फंदों को हम बुन रहे हैं। तो इस तरह करके हम इस सातवीं सिलाई को पूरा करेंगे और आठवीं सिलाई में भी हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। देखिए अब हमारी ये सातवीं और आठवीं सिलाई इसमें कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इस डिज़ाइन की जो फाइनल रो है वो बनानी है। देखिए उसके लिए हमें क्या करना है, अभी तक तो हम सारे धागे को आगे की तरफ ला रहे थे, हमारे सारे धागे देखिए आगे की तरफ आए हुए हैं। ये देखिए चारों धागे आपको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग कि हमारे आगे की साइड आ गए हैं। अब हमें इन सबको बुनना है। तो उसके लिए बुनने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम दो फंदे तो हम स्टार्टिंग के बुनते ही हैं, उन दो को तो हम बुन ही लेंगे। देखिए दो बुन लिए, उसके बाद जो हम पांच फंदे बिना बुने निकालते हैं उसमें से हम दो फंदे बुन लेंगे। देखिए दो बुन लिए हमने, और अब हम क्या करेंगे, चारों धागों को हमें उठाना है। देखिए एक दो तीन चार, चारों धागों को हमने अपनी सीधी सिलाई में उठा लिया, जो सीधे हाथ में हमारी सिलाई है उसमें हमने चारों धागों को उठा लिया। और इसी में हम जो थर्ड फंदा है हमारा जो बिना बुने हम निकालते हैं वो भी उठा लेंगे साथ साथ। देखिए इस तरह से हमने इसको उठाया हुआ है, इसमें हमारे चारों धागे भी हैं नीचे के। और ये देखिए फिर से हम दिखा देते हैं, ये चारों धागे सिलाई में उठा लिए और उसके बाद इस फंदे को भी हमने सिलाई में ले लिया। और उसके बाद हमें इसे सीधा बुनना है, थोड़ा ढीले हाथ से हम इसको बुनेंगे ताकि ये हमारा सारा फंदे को इकट्ठा कर ले। देखिए सब में से हमने इसको निकाल दिया, इसको हमें थोड़ा सा ढीला कर लेना है, ज़्यादा भी नहीं करना, थोड़ा सा कर लेना है बस, ताकि ये एक बो की शेप में बन जाए, जैसा बो होता है उस शेप में हमें इसे बनाना है। तो अब हम इसके ये बाकी बचे हुए दो फंदे बुनेंगे, बीच के पांच फंदे बुनेंगे जो हम बुनते हैं सीधी सिलाई में, और फिर से दो बुनेंगे। तो टोटल हम इसमें अब नौ फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए हम इसमें नौ फंदे सीधे बुन चुके हैं और उसके बाद फिर से हम इन धागों को सिलाई में उठाएंगे। पहले हम धागे उठाएंगे, देखिए धागे उठा रहे हैं अब हम, ये धागे उठा लिए हमने चारों। और उसके बाद इस सीधे फंदे को भी हमने, थर्ड जो फंदा है हमारा बिना बुना उसको हमने सिलाई के अंदर ले लिया। नौ फंदे बुनने के बाद जो दसवां फंदा है देखिए इसको निकाला, फिर इन धागों में से निकाल दिया और इसको थोड़ा सा हमें खींच के लूज सा लेना है ताकि ये टाइट ना हो जाए, एकदम से यहाँ पर सिकुड़ सी ना जाए स्वेटर जो है। तो अब हम फिर से नौ फंदे बुनेंगे। ये देखिए हम नौ इसमें फंदे बुन चुके हैं और उसके बाद फिर से हमें इसमें धागे उठाने हैं, चारों धागों को उठाना है। देखिए चारों धागे हमारी सिलाई में आ गए और साथ में सीधा फंदे को भी ले लिया और उसको बाद उसको बुन दिया। और बुनने के बाद इसको थोड़ा सा हमने लूज किया और बाकी सारे, अब सारे फंदे हमें सीधे बुन देने हैं और उल्टी सिलाई में सारे फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुनना है। तो इस तरह से हमारा एक बो बन के तैयार हो जाएगा जब हम इसकी उल्टी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे बो बनते चले जाएंगे, ये बो हमारे बनते जा रहे हैं, ये रहा ये रहा, उसके बाद हमने ये बनाए हैं और ये आपस में बीच में आएंगे। देखिए नीचे वाला यहाँ था तो ऊपर वाला यहाँ पर आया, इसके बाद ये बीच वाला जो हमारा ये था ये इसके साइड में आया है, बिल्कुल इसके ऊपर नहीं है, इसके साइड में है, और फिर इससे अगला इससे ऊपर आया। तो इस तरह से ये आपस में ट्रांसफर होते जाएंगे। तो चलिए हम इसकी उल्टी सिलाई बना लेते हैं। देखिए ये एक बो हमारा कंप्लीट हो गया है, जो हमारा जो जैसे नीचे वाली लाइन में हमारे तीन बो बने थे वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी जो सेकंड रो है, जैसे ये वाली जो रो है वो हम इसके बना रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये बो हमने दो फंदे बुनने के बाद यहाँ से हमने पांच फंदे बिना बुने छोड़े थे, लेकिन अब हमें यहाँ पर नहीं बनाना है, यहाँ पर बनाना है। तो हम इसके जो दो प्लस पांच सात फंदे इसके बुन लेंगे हम, स्टार्टिंग के हम इसमें सात फंदे बुनेंगे। देखिए सातों फंदे हमने बुन लिए हैं और उसके बाद हम धागे को आगे करेंगे। तो जो हमारा अब की बार का बो है वो बीच में आएगा इसके। तो हम पांच फंदे अब बिना बुने निकालेंगे, एक दो तीन चार और पांच, पांच बिना बुने निकालने के बाद फिर से धागे को पीछे करेंगे और फिर पांच फंदे बुनेंगे। अब बाकी का प्रोसीजर सारा हमारा सेम ही रहेगा।
बस ये जो फंदे हमारे पहली लाइन में जो हैं वो हमें एडजस्ट करने हैं, बाकी हमें 8 सलाइयाँ इनकी बिल्कुल ऐसे ही बनानी है जैसी हमने पहले बनाई थी। देखिए हम धागे को पीछे ले गए और फिर से हम इसमें 5 फंदे बुनेंगे, और 5 फंदे बुनने के बाद हमारे पास सिर्फ 2 फंदे बुने हैं बचे हैं जिसमें हमारा बो कंप्लीट नहीं होगा, तो हम इनको भी सीधा बुन देंगे। अब उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी उल्टी बनेगी। देखिए ये हमारा पहला धागा इसके ऊपर से आ चुका है, ये हमारा पहला धागा है। तो अब हमें जैसे हमने नीचे 4 धागे हमने इसके ऊपर से लाए थे, तो हमें 4 धागे लाने हैं, तो मतलब हमें 3 सीधी सिलाइयों में ये धागे आगे लाने हैं, और उल्टी सिलाइयाँ तो हमें उल्टी उल्टी बनानी ही है। तो हम सेकंड सिलाई में, ये हमारी जो सेकंड सिलाई है वो हो चुकी है जो उल्टी है, अब हम तीसरी चौथी पाँचवीं छठी सातवीं और आठवीं ये 6 सिलाइयाँ और बनाएंगे, जिसमें कि हम तीसरी पाँचवीं और सातवीं को बिल्कुल सेम बनाएंगे। तो देखिए तीसरी में हमें क्या करना है, 7 फंदे बुनने हैं और उसके बाद धागे को आगे लाना है और 5 फंदे बिना बुने निकालने हैं। ये हमारी थर्ड सिलाई है, इसी के जैसी हमें पांचवी और सातवीं सिलाई बनानी है, और धागे को पीछे ले गए वापस 5 फंदे निकालने के बाद और फिर 5 फंदे बुन लिए। ये थर्ड सिलाई है, इसके जैसे हमें पांचवी और सातवीं सिलाई बनानी है, और जो हमारी फोर्थ सिक्स्थ और एट्थ सिलाई है वो उल्टी सिलाई है, उसमें हमें सारे फंदों को उल्टा बुनना है। तो अब हम इतना अपना इसको बना लेंगे डिज़ाइन को, उसके बाद हम इसे फिर से इसकी फाइनल रो बनाएंगे जिसमें हम इसे जोड़ेंगे। तो देखिए 2 धागे हमारे आ चुके हैं, इसके बाद अब हमें उल्टी सिलाई बनानी है जो उल्टी उल्टी है। तो हम इसमें अब फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ और एट्थ ये 5 सिलाइयाँ और बना लेते हैं। देखिए ये अब हमारी इसमें 8ों सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं इस डिज़ाइन की, और हमारे ये 4ों धागे अब देखिए ऊपर से दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम इसकी फाइनल रो पे आ गए हैं, तो हमें इसमें स्टार्टिंग के जो हम 7 फंदे सीधे बनाते हैं वो तो बनाने ही हैं। देखिए 7 बन गए हमारे, अब हमें 2 और बनाने हैं क्योंकि बीच का वाला जो फंदा होता है 5 फंदों में से उसमें हमें इसको उठाना होता है। तो अब हम इन 4ों धागों को उठा लेंगे। देखिए 4ों धागे हमारे सिलाई में आ चुके हैं, और अब हम इस फंदे को भी सिलाई में ले लेंगे और इसे बुन देंगे सीधा। बिल्कुल सेम प्रोसीजर वही है जैसा हमने पहले बनाया था, और इसको हम थोड़ा लूज कर देंगे ताकि ये थोड़ा हमारा बो टाइप में आ जाए, और उसके बाद हम 9 फंदे बुनेंगे सीधे सीधे। देखिए 9 फंदे हम बुन चुके हैं, और अब हमें फिर से इन धागों को उठा लेना है। 4ों धागे उठ गए, साथ में फंदा भी हमने सिलाई में ले लिया, और इसको हम सीधा बुन देंगे। बाकी बचे फंदों को हम सीधा बुन देंगे, और उल्टी सिलाई को हमें उल्टा उल्टा ही बुन लेना है। देखिए उल्टी सिलाई को बनाने के साथ ही हमारा ये डिज़ाइन अब बन के तैयार है, और इसी तरह से हम इसको आगे भी अपने प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। जितना भी बड़ा हमें स्वेटर बनाना है या जर्सी हमें बनानी है या जो भी आप इससे बना रहे हैं उसमें आप इसे बनाते जाएंगे ऐसे ही बिल्कुल। जैसे अब इसमें हमने पहले 3 बनाए थे, फिर 2 बनाए, फिर इसमें 3 आ गए हमारे बो, और फिर इसमें 2 आ गए, तो अगली जो हम बनाएंगे उसमें फिर से हमारे 3 आएंगे। तो हम स्टार्टिंग के 2 फंदे लेंगे और 5 फंदों को बिना बुने निकालेंगे जैसे हमने फर्स्ट बो में किया था। आई होप आपको हमारा ये डिज़ाइन बनाना पसंद आएगा, और आप इसे अपने स्वेटर में जर्सी में ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।